हेलो फ्रेंड्स, इंडियन रेसिपी विद अर्चना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ट्रेडिशनल रेसिपी अनारसा। यह वैसे तो उत्तर भारत और महाराष्ट्र में विशेष तौर पर बनाया जाता है। दीपावली पर बनने वाले व्यंजनों में अनारसा एक विशेष व्यंजन है। इसके लिए हमें चावल की आवश्यकता होती है, जो कि हम मोटे या बारीक किसी भी तरह के ले सकते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमें 2 से 3 दिन पहले चावल को भिगोना होता है। बिल्कुल परफेक्ट नाप से अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से जालीदार और सफ़ेद अनारसे बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप चावल। चावल आप नया या पुराना कोई भी ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से 2 से 3 बार धुल लेंगे और इन्हें 3 दिनों तक पानी में भिगो के रखना है। हर दूसरे दिन हमें इसे पानी में से निकाल करके अच्छी तरह से धुल के फिर से पानी भर के रखना है। इसे अब हम ढक कर रख देते हैं। अगले दिन इस पर का पानी हमें निकाल कर अलग करना है और इसे अच्छे से 1 से 2 बार धुल कर और फिर से पानी भर के रखना है। यह हमने चावल को धुल लिए है। इसमें फिर से हमें उतना ही पानी डाल करके ढक करके रख देना है। चावल गलाकर आज 3 दिन हो चुके हैं। इसके ऊपर का पानी हम निकाल लेते हैं। चावल काफ़ी फर्मेंट हो चुका है, इसके ऊपर बबल्स आ गए हैं। इन्हें हटा करके बहुत अच्छी तरह से चावल को धुल लिए हैं। चावल काफ़ी अच्छी तरह से गल चुका है। इसे हम इस तरह के स्ट्रेनर में निकाल कर पानी अलग कर लेते हैं और इस तरह के कॉटन के कपड़े पर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छायादार जगह में सुखा लेते हैं। आपको अगर जल्दी हो तो इसे आप पंखे के नीचे 1 घंटे सुखा सकते हो। चावल को बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसे धूप में ना सुखाएं। बहुत कड़क होने तक चावल नहीं सुखाना है। 1 घंटा हो गया है। चावल में हल्की नमी अभी बरकरार है, बस इसी समय हमें इस चावल को उठा लेना है। हल्का नम चावल हमें चाहिए, जिससे इसका पाउडर भी बढ़िया सा पिस जाए। हमें इसका बहुत बारीक पाउडर बनाकर तैयार करना है। चावल को हमने पीस लिया है, इसे बारीक छन्नी में निकाल करके छान लेते हैं। इस तरह की मैदा छानने की छन्नी से इसे छाने। आटे को छानते समय जो दरदरा पाउडर निकलेगा उसे बार बार हम पीस लेते हैं और उसे छान लेते हैं। इसे एक बार और पीस लेते हैं। चावल में नमी होने के कारण यह छन्नी में से आसानी से नहीं निकलता है। इसे अच्छी तरह से हाथ घुमाते हुए इस तरह से छान ले। ये जो बचा हुआ पाउडर है इसे हम अलग रख देते हैं। अब इसके बाद हमें शक्कर पीसना है। इसी नाप से हमने चावल लिए थे, इससे 2 टेबलस्पून शक्कर कम लेना है। अब इसे भी हम अच्छी तरह से पीस लेते हैं। शक्कर पीसने के बाद इसे भी हम बारीक तार की छन्नी में ही छान लेते हैं। छानने के बाद जो दरदरी शक्कर निकलेगी उसे भी बार बार पीस लेते हैं और छान लेते हैं, जिससे हमारा मेजरमेंट बिल्कुल सही रहेगा। इसे एक बार और पीस लेते हैं। बस अब ये इतना सा पाउडर जो अलग निकला हुआ है उसे अलग रख देते हैं, जिसे हम चाय बनाने के लिए ले सकते हैं। अब देखिए, चावल के आटे में काफ़ी नमी थी, जिस कारण से इसके आसानी से लड्डू बन जाएंगे। हमें किसी भी तरह का पानी या दूध मिलाने की ज़रूरत नहीं है। शक्कर पाउडर और चावल के आटे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर ले, जिससे वो आपस में मिल जाए। और नमी होने के कारण देखिए इसके काफ़ी अच्छे से लड्डू बन रहे हैं। इसके लड्डुओं को बना करके हम 2 दिन के लिए रख देते हैं। अगर चावल को सुखाते समय हमने थोड़े ज़्यादा देर सुखा लिया हो
तो उसमें इस तरह से बगैर पानी के लड्डू नहीं बनेंगे, उसमें हल्का दूध या पानी का छींटा लगाते हुए हमें लड्डू बनाकर रखना है। दो दिन बाद हमने इनमें से दो लड्डू लेकर के अनार से बनाकर देखते हैं। बाकी लड्डू हमने अभी बचाए रखे हैं, पहले हम इन्हीं लड्डुओं को बनाकर देखेंगे और इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे मिक्स करते चले जाए। दूध इकट्ठा बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें बार बार चम्मच से हल्के छींटे लगाते हुए इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। इसमें पिसी हुई शक्कर होने के कारण यह बहुत जल्दी गीला होता है, इसे हमें थोड़ा थोड़ा दूध करके ही मिक्स करना है। इसका हमने एक डो बना लिया है, लेकिन इसे हम इस तरह के बत्ते से काफ़ी अच्छी तरह से इस तरह दबाते हुए कूट लेंगे, और जिससे हमारा डो जो है वो नरम हो जाएगा और इससे अनार से अच्छे बनेंगे। हमने 3 से 4 मिनट के लिए इस बत्ते की सहायता से इसे नरम कर लिया है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए ढककर रख देते हैं। 1 घंटे बाद डो काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसे थोड़ा सा हथेलियों की सहायता से फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब यह डो बिल्कुल परफेक्ट अनरसा बनाने के लिए तैयार है। हम इसकी बहुत छोटी सी लोई लेकर के इस तरह से गोल पेड़ा बना लेते हैं। इसे बनाने से पहले हम कुकिंग ऑयल गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म करते समय फ्लेम बिल्कुल मीडियम हो। अनरसा की पूड़ी बनाते समय इस तरह की ट्रांसपेरेंट पन्नी का यूज़ करेंगे, जिससे वह चौकी पर चिपकेगा नहीं और हम आराम से उसे निकाल सकेंगे। इसे रखते हुए हमें हथेलियों की सहायता से गोल घुमाते हुए बस इस तरह से अनरसा को बिना बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं। पन्नी को आप ऑयल से ग्रीस कर ले, आप चाहो तो इसे घी और ऑयल दोनों में तल सकते हो। बस इतना बड़ा अनरसा हमें बनाकर तैयार करना है। इस तरह की इसकी थिकनेस होना चाहिए। अब हम इसे तल लेते हैं। कुकिंग ऑयल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर यह ठंडे ऑयल में डालोगे या मीडियम ठंडे ऑयल में डालोगे तो फैलने लगेगा। इस तरह से झारे की सहायता से हम उसके ऊपर तेल को इस तरह डाल देते हैं, जिससे वहाँ ऊपर से भी तल लेना है। हमें इसे दोनों साइड से नहीं तलना है, बस एक ही साइड से इसे तला जाता है। बस देखिए इस पर कितनी अच्छी सी जाली बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही सफ़ेद और जालीदार अनरसा बनकर तैयार हो गया है। एक परफेक्ट अनरसे की यही पहचान होती है। अब इसमें के अतिरिक्त तेल को हटाने के लिए हम इस तरह के स्ट्रेनर पे इसे निकालेंगे। इसे हम बेलन की सहायता से भी चपटा कर सकते हैं, बेलन से भी यह आसानी से बन जाते हैं। अगर हम ठीक इसी तरह के मेजरमेंट से अनरसे का आटा तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे सफ़ेद और जालीदार अनरसे बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर मेज़रमेंट में थोड़ा भी कम या ज़्यादा हो जाए तो यह लाल हो जाएंगे या फिर तेल में पूरी तरह से फैल जाएंगे या फिर फूलने लगेंगे। परफेक्ट मेज़रमेंट के अनरसे इसी तरह से सफ़ेद और जालीदार बनकर तैयार होते हैं। हम इसे खसखस के दाने लगाकर भी बना सकते हैं। उसके ऊपरी परत पर खसखस के दाने लगा करके इसे तल लेते हैं। खसखस के दाने वाले अनरसे भी खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। सभी अनरसों को इसी तरह तैयार कर लेते हैं। स्ट्रेनर से इसका तेल पूरी तरह से निकल चुका होता है, जिससे अनरसे ऑयली नहीं बनेंगे। यहाँ हमने सभी अनरसों को बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए कितने अच्छे और सफ़ेद जालीदार अनरसे बनकर तैयार है। आप भी इस दिवाली इस तरह से अनरसे बनाइए और खाइए। बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। यह बहुत ही बढ़िया मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। आपको मेरे अनरसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। आपके लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं नई नई रेसिपी बनाने के लिए उत्साहित होती हूँ। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।